शिवरात्रि के सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। शिवरात्रि के पावन अवसर पे नया ब्लॉग लेके आ रहा हूँ महादेव के दरबार, तो आप ऐसे ही जुड़े रहें हमारे साथ इस ब्लॉग में। आपके लिए बहुत सरप्राइज है, भोलेनाथ की कृपा ऐसे ही बनी रहे सबके ऊपर। हर हर महादेव, जय शंकर। दोस्तों आज आपको लेके जा रहे हैं हम शिव मंदिर, और अभी आपको मणिमाजरा से हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया है। तो गाइस आप ऐसे ही साथ में बने रहें, तो आपको आज सरप्राइज विजिट लेके जाएंगे हम चंडीगढ़ के शिव मंदिर, फेमस टेंपल। भी एक वो है, कब हुआ? कॉटन कितना रश है, श्रद्धालुओं की बहुत ज्यादा रश मंदिर में। अभी यहाँ से 1 किलोमीटर आगे है, देख रहे हैं कितना रश है यहाँ, बहुत श्रद्धालु दर्शन करके आ गए हैं, और अभी हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। दोस्तों गाड़ियां ही गाड़ियां आती हुई, बहुत ज़्यादा रश यहाँ से दिखा रहे हैं। हेलो, अब बड़ लेके आते हुए बहुत अरे भोले भोले, बहुत काफ़ी आगे तक हमारा सफ़र है। अभी 5 घंटे है, पैदल 5 मिनट लगेंगे क्योंकि यहाँ रश बहुत है। तो धीरे धीरे हम मंदिर की तरफ प्रस्थान करते हुए, और श्रद्धालुओं का बहुत भीड़ यहाँ पे, जैसे आप देख रहे हैं गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ और श्रद्धालु आते हुए कैलाशपति महादेव मंदिर। दोस्तों ये बीच से हमने कंटिन्यू किया है, ये शीतला माता का मंदिर है, बहुत ही अच्छा। इसमें वापसी में हम आएंगे। जय जय लै लै। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं शिव शंकर के दरबार में, जयकारा भोलेनाथ का। तो यहाँ से देखते हैं कितने दूर है अभी। वो हो चुकी है जिसके माता पिता जहाँ कहीं भी मेरी आवाज को सुन रहे हो, वो शिव मंदिर में आके अपनी गुड़िया को लेकर बहुत ऊंचाई पे है अभी। बहुत ज्यादा आज शिवरात्रि के पावन अवसर पे बहुत ज्यादा रश है मंदिर में, इतना ज्यादा रश है।
दोस्तों हमने यहाँ बहुत मुश्किल से यहाँ तक आधा सफ़र पूरा कर लिया है। अभी भी हमारे यहाँ आगे बाकी है सफ़र। लाइन में अंधेरा हो चुका है और रात को लाइटिंग बहुत। तो फाइनली दोस्तों हम पहुँच चुके हैं मंदिर के आसपास। जैसे आप देख रहे हैं हमें एक घंटा लगा यहाँ पहुँचने के लिए। तो सामने ही बहुत ही अच्छा दरबार सजाया गया है भोलेनाथ का। तो ये इसका उधर गेट है, अभी आपको अंदर से भी दिखाएंगे इसका अद्भुत नज़ारा। पूजा है शिवरात्रि के अवसर पे। तो यहाँ से रात को बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, जैसे सजाया गया है शिवरात्रि के अवसर पे दरबार। लाइटें ही लाइटें जगी हुई हैं। तो अभी भी हमें इसके आगे 10-15 मिनट लगेंगे गेट तक पहुंचने के लिए। फाइनली हम पहुंच ही चुके हैं और बहुत लंबी लाइन है। तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं गेट, मेन गेट पे। अब हम यहाँ से एंटर करेंगे मंदिर में यहाँ। और इस सफर में हमें कम से कम 1 आवर लगा है लाइन में। तो आप देख ही पा रहे कि महादेव के कितने चाहने वाले हैं भगत, श्रद्धालु दूर दूर से आए हैं और शिवरात्रि पे आनंद ले रहे हैं शिवरात्रि का। तो दोस्तों हमने अंदर प्रस्थान कर लिया है मंदिर के। जैसे आप देख रहे हैं बहुत ही भव्य तरीके से सजाया गया है मंदिर को और कितना बहुत ही खूबसूरत लग रहा है रात टाइम रात को। और आगे आप देख रहे हैं वोटे की तैयारी हो रही है।